और भाई लोगों, क्या हाल है तुम सबके? ऑल वेल? काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और मैं कुछ इस पर सेटिंग कर रहा था यार। आज एक बात बोलना चाहूँगा कि यार बहुत हल्ला होगा आज, क्योंकि बाहर मोहल्ले में किसी का बर्थडे है तो बच्चे लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की, मैंने पूरे डोर बंद कर दिए हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेली करता हूँ भाई, सबसे पहले साउंड चेक। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? गिटार की आवाज़ आ रही है? आ रही है क्या सबको? इज इट कमिंग? मतलब मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, तो उसके बाद ही फिर ओके। ठीक है, तो भाई आज का सेशन आपको मालूम है कि बार गॉड्स के ऊपर है, तो सेशन को जल्दी से स्टार्ट नहीं करेंगे। कमेंट एक तो मैं पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अगली बार से काम करूंगा यार, मैं ना स्लो मोड को 30 सेकंड्स का करूंगा, क्योंकि मैंने स्लो मोड को 5 सेकंड्स का किया हुआ है, तो कमेंट मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ओके सर, हाउ आर यू? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। बास के डर राहुल चिनमय, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन और थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार दिखाने के लिए। आप मुझे पता है बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, मेरे पीछे घड़ी लगी हुई है, मैं भी टाइमिंग देख रहा था, तो मैं एग्जैक्ट मुझे क्लिक करना पड़ता है सेम टाइम पे कि मतलब जब टाइम हो जाता लाइव स्ट्रीम का। ठीक है, और इससे पहले मैं आज दिन में आदित्य का लाइव स्ट्रीम देख रहा था, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग कि मैं अपना लाइव स्ट्रीम खुद करूँ, तो उससे पहले मैं आदित्य का लाइव स्ट्रीम देख रहा था। और बाहर बच्चों की आवाज़ बहुत आ रही है। अच्छा, आप लोग ये बताओ, आपको फ़ैन की आवाज़ तो नहीं आ रही है? मतलब इज इट ओके? फ़ैन की आवाज़ नहीं आ रही ना, क्योंकि मैंने फ़ैन चलाया और मैंने इसमें थोड़ा नॉइस गेट डाला हुआ है ताकि फ़ैन की आवाज़ बिल्कुल ना आए। ठीक है, तो इज इट ओके? राइट, ओके, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हो साथ साथ में, बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले शाउट आउट टू AS, मुझे इस बंदे का पूरा नाम नहीं पता। लास्ट टाइम इस बंदे ने सुपर चैट की थी 20 रुपीज़ की, तो मैंने जैसे बताया कि यार कि ज़रूरी नहीं है, बट क्या है कि उस बंदे ने की थी तो मैं देख नहीं पाया लाइव स्ट्रीम में, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपका सुपर चैट आता है तो मैं ज़रूर उसका शाउट आउट ज़रूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, इट्स ओके। तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं जो है मेन बार कॉर्ड्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर, लाइव क्लासेस। ओके फाइन, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको पीछे पांडा सी लग रहा है? ये ऐसी लगा दिया मैंने यार, बस थोड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा वॉलपेपर बढ़िया लगा देते हैं। राइट दोस्तों, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि बार कॉर्ड्स में बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एकदम मतलब हड़बड़ा जाते हैं कि सर बार कॉर्ड्स तो बज ही नहीं रहा है, क्या होगा, कैसे होगा करके। देखो, एक बात मैं आपको समझाता हूँ, गिटार लर्निंग का जो भी प्रोसेस है ना, जब आप गिटार लर्निंग की मतलब सोच लेते हो कि आपको गिटार सीखना है, तो उसके पीछे का प्रोसेस भी समझो यार। ठीक है, बार कॉर्ड्स एक अलग लेसन है, उसको आपको सीखने में टाइम लगेगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। जब बिल्डिंग बनती है तो ऐसा नहीं है कि ना पहले 10वां माला बन जाएगा भाई, पहले नीचे का बेस बनेगा, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे धीरे धीरे माला चढ़ेगा ना, तो एक प्रोसेस होता है यार। ठीक है, गिटार लर्निंग एक प्रोसेस है। आप में कितना पेशेंस है, वो बिल्डिंग बनने में 1 साल लग रहा है, तो 1 साल तक कोई वेट करे या ना करे, बिल्डिंग तो बनेगी ना। सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपके अंदर भी वो पेशेंस लेवल होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी उसमें ज़्यादा है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, उससे आपका डेवलप होगा, खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार मुझे अब आ गया है, तो कभी भी निराश नहीं होने का भाई उस मामले में। ठीक है, जो भी सीख रहा है गिटार, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, और मैं हमेशा सबको एक ही तालीम देता हूँ, सबको एक ही एडवाइस करता हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारो, गिव अप मत करो, बस लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो, आपको ज़रूर आएगा, एक दिन आपको खुद प्राउड होगा अपने ऊपर। ओके, तो अभी चलते हैं ट्रिक एंड टिप्स के ऊपर। ठीक है, बार कॉर्ड्स का सबसे पहले तो भाई मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि बार कॉर्ड्स कोई मुश्किल नहीं होते। ठीक है, मुश्किल होते हैं, लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं होता कि जितना आप लोग उसे बना देते हो। मतलब आप लोग पहले ही बोलते हो कि यार बजेगा नहीं, बजेगा नहीं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं बताऊंगा आपको कि किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देखना है, देना है। ठीक है, देखो, बार कॉर्ड सीखने से पहले उसका फंडा सीखो कि बार कॉर्ड्स बेसिकली है क्या। मैं आपको बेसिक ई कॉर्ड से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ये ई कॉर्ड है, ठीक है, अभी मैं इस गिटार को आगे भी नहीं ला सकता क्योंकि इधर ये माइक लगा हुआ है ना। एक मिनट, देख लो आप, ऐसे देख लो, ये ई कॉर्ड है, राइट, दिस इज बेसिक ई कॉर्ड जो मैं आपको सिखाता हूँ। डायग्राम आपको पता होगा, जो बहुत सारे लोग सीख रहे हैं उनको ऑब्वियसली ई कॉर्ड का डायग्राम तो पता ही होगा यार। ठीक है, वरना आपका सीखना मतलब वो है बेकार, अगर आपको ई नहीं आता है। आपको बेसिक कॉर्ड सारे आने चाहिए, याद रखो। ठीक है, एक एक गिटारिस्ट जो भी बेसिक गिटारिस्ट सीख रहा है उसको सारे कॉर्ड डायग्राम बाई हार्ट याद होने चाहिए, वो भी बेसिक, ओनली बेसिक की बात कर रहा हूँ, ABCDEFG। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज बेसिक ई, राइट।
जब आप थोड़ा एडवांस, जब मेरी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, एडवांस थ्योरी में मैंने बताया था कि ये जो आप ई पकड़ रहे हो बेसिकली इट्स अ बार कोड ओनली, ठीक है, ये बार कोड ही है, ठीक है। लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। आप जब इसको आराम से पकड़ सकते हो, ये आराम से बज रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, आराम से बज रहा है। अब आप इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट करो, जस्ट एक स्टेप आगे ऐसे, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आपके पास अभी गिटार है तो लाइव सीखने का ये सबसे बढ़िया मौका है। आप गिटार लेके बैठो, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप फॉलो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तुम्हारा भाई इधर बैठा है ना, कोई टेंशन नहीं होगी, सब इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अभी गिटार है तो प्लीज़ ग्रैब करो अपना गिटार और बैठो अभी, ठीक है। ई कॉर्ड मैंने पकड़ा था, देखो, ओके, मैंने एक स्टेप फर्दर आगे लिया, एक स्टेप आगे ऐसे लिया। अभी देखो ये जो बज रहा है, अभी दिमाग मत लगाओ कि क्या बज रहा है। आपके पास केपो होगा, केपो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस केपो को मैं यहाँ लगा रहा हूँ फर्स्ट फ्रेट पे, आपको मैं बस फंडा समझा रहा हूँ फंडा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पकड़ना कैसे। इस केपो को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप उसी पोजीशन में पकड़ो जो आपने शिफ्ट किया था, यहाँ पे पकड़ा था ना आपने, यहाँ पे ऐसे, राइट दोस्तों। ये अभी ई साउंड नहीं करेगा, दिस इज एफ कॉर्ड, ठीक है दोस्तों, ये एफ कॉर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, मतलब सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ। ये जो आपने केपो लगाया, इस केपो ने आपका इंडेक्स फिंगर का काम किया। मैंने अपने लेसन में बता भी रखा है, मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आपको फंडा सिखा रहा हूँ बार का, ठीक है। इस केपो ने यहाँ पे बार का काम किया, बार का काम मतलब आपके इंडेक्स फिंगर का काम किया, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ लगाया और नॉर्मली मैंने ई बजाया है, इसके हिसाब से ई है ये, ठीक है, लेकिन ये साउंड दे रहा है आपका एफ का दोस्तों, तो ये एफ कॉर्ड है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप कोशिश करो, इसको हटा दिया आपने, उसी कॉर्ड को बजाओ तो देखो वो साउंड आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, राइट, समथिंग इज मिसिंग, रूट नोट इज मिसिंग, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कैपो को छोड़ दो, ठीक है, ये जो आपकी फिंगर्स आपने प्लेस किए इनको कर दो आप ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब फिंगर पोजीशन चेंज कर दो। ए बन जाएगा आपका बार, और आपका इन उंगलियों को लगा दो सेम पोजिशन में, सेम पोजिशन में ऐसे, बस आपने उंगलियों को चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपने लगा दिया, राइट। स्टेप वाइज सीखेंगे हम लोग बेसिक्स है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। अभी देखो मेन चीज़ ये है कि अब ये आपकी जो फिंगर फ्री हो गई है, ये आपका इस कैपो का काम करेगा, ठीक है। ये देख रहा है आपको, ये कैपो का लंबा सा ये पोर्शन, ये इसमें रबर लगा रहता है, यही तो प्रेस करता है उसको, ओके। अभी आपको देखो ये आपको यहाँ पर लगाना है, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है सब में कि किसी को ये नहीं मालूम कि ये लगाना कैसे है, ठीक है। कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे कर देगा, कोई पता नहीं परेशान हो जाते हो, ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उससे देखो मैं घर के घरेलू आइटम से आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखो बेलन भी रखा आपके लिए स्पेशल, ठीक है, पिटाई करने के लिए आपकी। जो 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 स्टूडेंट कंप्लेन करेगा कि उनको नहीं आ रहा ना, इससे पिटाई कर दूंगा कसम से, यहीं से स्क्रीन में घुसा दूंगा इसको, ठीक है, ओके। अभी देखो ये बेलन है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये गिटार उधर आ नहीं सकता, मैं आप क्योंकि इसका मैं नेक तोड़ नहीं सकता ना, तो मैं एज्यूम करो कि ये इसका नेक है, राइट, एज्यूम करो, एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एज्यूम करो। अभी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, देखो जब आप गिटार की नेक को होल्ड करते हो ना, अभी मैं इन फिंगर्स की बात नहीं कर रहा, केवल अंगूठे का और इस इंडेक्स फिंगर का पूरा खेल है इस महाभारत में, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, केवल अंगूठे का और इंडेक्स फिंगर का खेल है भाई। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी आप देखो ये गिटार की नेक है, मैं अगर मान लो ये गिटार ऐसे रखा हुआ है तो मैं इसको कैसे पकड़ूंगा, कॉर्ड को ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। देखो तुम्हारे भाई ने बेलन में कॉर्ड पकड़ लिया, ठीक है, अब गेस करो कौन सा कॉर्ड है, ठीक है, बार कॉर्ड है, मेजर कॉर्ड है, जो भी आप समझ लो, एफ ए कुछ भी हो सकता है। तो मैंने देखो ये पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन आप जब ध्यान से इसको पीछे से देखोगे, अरे यार ऐसे कैसे दिखाऊं, ऐसे देखो, ये देख रहे हो, चलो ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे देखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश आप ये रखो कि आपका थंब पोजिशन कैसा है, ठीक है दोस्तों। अब आप ऐसे में देखो, दिख रहा है आपको ये गैप, दिख रहा है गैप, ये वाला गैप आपको गैप दिख रहा है, ये वाला, ये गैप मैं बना के रखता हूँ हमेशा, उसका रीज़न क्यों मैं बताता हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। देखो जब मैंने ये एफ कॉर्ड पकड़ा, ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी गैप दिख रहा होगा, ये देखो गैप, मतलब इस फिंगर के बीच में से देखो गैप है, ये यहाँ पर उंगली आ रही है आपको, ये वाली, समझ में आ गया आपको, ये गैप है यहाँ पर। अगर आप इसको से चिपका दोगे, ठीक है, तो नहीं बजेगा सही से। इनिशियल बिगिनर को ऐसा नहीं बजाना है, आपको चिपका दोगे तो कैसे बजेगा यार, नहीं बजेगा, आपकी सारी उंगलियां टच होंगी ऐसे, ऐसे फट फट साउंड, ऐसे आप कितना भी बजा लोगे ऐसे फट फट साउंड करेगा वो, ठीक है, नहीं बजेगा। पहली मिस्टेक ये करते हो आप, इसे अवॉइड करो, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ
इन दोनों का खेल बता रहा हूँ, इसको इनको छोड़ दो अभी, एक दो तीन भूल जाओ कि ये उंगलियाँ आपके पास हैं। देखो ये जो उंगली है आपकी इंडेक्स फिंगर, ये कभी भी इस पर स्ट्रेट नहीं रहेगी। आप कोशिश कर लो यार, गिटार ऐसे पकड़ो सीधा ऐसे, और कोशिश करो जरा इसको स्ट्रेट रखने की उस पर, ऐसे कितना स्ट्रेस आएगा आपके हाथ में। देखो आप मतलब बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर उस पर ऐसा रखो और पीछे से अंगूठा लगा दो ऐसे, कितना स्ट्रेस आएगा, बहुत स्ट्रेस आएगा, ठीक है, नहीं लगा पाओगे। दो मिनट में आपका दर्द हो जाएगा, और कहाँ दर्द होता है पता आपको, यहाँ रिस्ट में, आदमी पागल हो जाता है, ठीक है, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, रिस्ट में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे होल्ड करो, दबाना नहीं है, होल्ड करो थोड़ा सा यूं, आपको देखो ऐसा है ना, हल्का सा यूं इसको ऐसा टिल्ट करो। टिल्ट मतलब क्या होता है, ये जो आपकी हड्डी है ना, हड्डी इस तरफ, इस तरफ देखो, इधर आपका पल्पी पार्ट होता है, ठीक है, पल्पी पार्ट मतलब गुदगुदा पार्ट, ठीक है, गुदगुदा पार्ट होता है। इस गुदगुदे पार्ट से आप कितना भी कोशिश कर लो दबाने की, वो कम्प्लीटली प्रेस कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देखो, फील करो, हड्डी बहुत अंदर होती है, लेकिन इसके साइड में, ये वाले साइड में देखोगे कि हड्डी आपको क्लियरली महसूस होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली ऐसे करके, दबाना नहीं है, ऐसे करके हल्का सा इसको ऐसे करो ऐसे, ताकि आपका ये वाला पोर्शन टच हो उस पर, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन टच हो, आपकी हड्डियों से दबाना है उसको बेसिकली, ऐसे हल्का सा, ऐसे नहीं कि पूरा यूं टिल्ट कर दिया, ऐसे में तो फिर आपका स्ट्रेस पड़ेगा, बिल्कुल हल्का सा, वो एक ट्रिक है। जब आप, मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब इस बात को आप समझ के बजाओगे, समझ के मतलब, समझ रहे हो ना, समझ के मतलब क्या होता है, समझ समझ के, जो ना समझे वो ना समझे, समझ के मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दो मिनट के लिए ध्यान से अपने आप को देखो कि आप कर क्या रहे हो, आराम से पकड़ो, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद उन फिंगर्स को प्लेस करो ई पोजिशन में, जो ई स्ट्रिंग की पोजिशन थी, मतलब ई कॉर्ड का पोजिशन था ऐसे, ठीक है। अभी देखो करना क्या है, मैं बताता हूँ, आपने अभी रखा है केवल, प्रेस नहीं किया है, कुछ प्रेस नहीं किया, अभी अंगूठे को यूज़ करो फॉरवर्ड प्रेशर की तरफ से, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैं पीछे अंगूठा हटा दूंगा, ये मैंने अंगूठा हटा दिया, दिख रहा है आपको, अंगूठा हटा दिया, अभी मैं इन उंगलियों से अगर गिटार को प्रेस करूंगा, तो गिटार देखो पीछे जा रहा है, प्रेस कर रहा हूं ना मैं, गिटार पीछे जा रहा है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, कॉमन सेंस है, गिटार पीछे जा रहा है। उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसका मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको पीछे थंब से प्रेशर लगाना है, ठीक है। अब देखो मैं दबाऊंगा ये ऐसे, यूं ऐसे दबा रहा हूं ऐसे, ठीक है, देखो मेरे थंब को देखो ऐसे, उंगलियां भी थंब की तरफ आएंगी और थंब भी उंगलियों की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे सबको एक साथ प्रेशर करो ऐसे, राइट, ऐसे, ओके दोस्तों। अब देखो गौर से, जब मैं इनको हल्का सा ढीला छोड़ देता हूं, बिल्कुल हल्का सा ढीला छोड़ता हूं, देखो आवाज क्या होगी, ये देखो, समझ में आ रहा है आपको, ये बेसिक गलतियां करते हो आप। अब मैं इसको हल्का सा ढीला ना करके हल्का सा टाइट करता हूँ, पूरा टाइट नहीं, हल्का सा टाइट, देखो ये देखो आवाज़ तो आ रही है, लेकिन फतफत आ रही है, ये कॉमन मिस्टेक दूसरी है आपकी, ठीक है। ये भी आप कंप्लेन करते हो कि सर आवाज़ तो आती है लेकिन फतफत बजता है, उसका रीज़न ये है कि आपने प्रॉपर प्रेशर अप्लाई नहीं किया, ओके। अभी आपने प्रॉपर प्रेशर अप्लाई कर दिया, फिंगर पोजिशन भी आपकी सही है, ठीक है। अब फिर दिक्कत क्यों होती है भाई, है ना, फिर भी आपकी कंप्लेन है कि सर नहीं बजता है, तो वहाँ पे भाई दिक्कत पता है किस चीज़ की है, आपके गिटार की स्ट्रिंग्स का और फ्रेडबोर्ड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको दबाने में बहुत फैटिगनेस महसूस हो रही है, आपकी उंगलियाँ थक जा रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और देखो मेरी फिंगर्स को देखो, अभी तो निशान नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बजाते बजाते, लेकिन जो बिगिनर बजाते हैं ना भाई, अगर आपकी उंगलियों में खतरनाक निशान पड़ रहे हैं, खतरनाक निशान, तो ये तो गुड साइन है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप गैप को देखो पहले कि आपका गैप कितना ज़्यादा है, ठीक है, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट दोस्तों। अगर आपके गिटार में गैप ज़्यादा है, उसका भी मैं एक समाधान बताता हूँ आपको, उसका भी एक समाधान है, अच्छा ओके, मैं तो भूल गया था, सबसे पहले प्रीवियस सेशन में जाके आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है पहले वो चेक करना ज़रूरी है, तो मुझे बता दो भाई जल्दी से, सबके से बता दो आवाज़ आ रही है क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तुम्हारे भाई ने पानी भी रखा हुआ है साथ में, ठीक है, पानी भी पीऊँगा साथ में, आके आवाज़ आ रही है, सबको आ रही है आवाज़, वाह चलो गुड, वेरी गुड यार। दोस्तों मैं एज अ गुरु चाहे मानो मुझे, एज अ फ्रेंड मानो, अपना साथी मानो, हमेशा आपको एक गाइडेंस ज़रूर दूंगा यार, कि देखो जब ज़िंदगी में आपने कुछ चीज़ स्टार्ट करी ना, तो उसको पूरा ख़त्म करो, ठीक है, पूरा ख़त्म करो। देखो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेशन, कि भाई एकॉस्टिक पार्टी ने बोल दिया कि यार मैं आज ना एक गाना सीखूंगा, बोलने से कभी नहीं होगा, बोलने से केवल उसके लिरिक्स याद कर सकते हो आप, एक बात बताऊँ लिरिक्स याद करना भी मुश्किल होता है,
आप लिरिक्स याद करके तो देखो पहले एक बार ही, आप लिरिक्स याद करोगे एक बार में आपको याद कभी नहीं होगा। हर चीज़ में मेहनत लगती है भाई, हर चीज़ में मेहनत लगती है। आपको बार बार बोलता हूँ कि आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपका सक्सेस का कारण बनेगी, ये आपको मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। आप बस मेहनत करके तो देखो यार एक बार ही, ठीक है? कुछ मुश्किल नहीं होता यार, एक बार आप बस लग जाओ, एकदम पागलों की तरह लगो उसमें, ठीक है? अपनी पढ़ाई वढ़ाई मत छोड़ो लेकिन, ठीक है? पढ़ाई को टाइम से, पढ़ाई के टाइम पर करो और अपना ये अपने टाइम पे करो। जस्ट टेक इट एज एन एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह लो भाई। जब आप 8th से 9th क्लास में जाते हो एग्जाम्पल, या कोई बच्चा है वो नर्सरी से कहीं UKG में जा रहा है, या 5th से 6th में कोई भी क्लास ले लो यार, उस क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए पूरा 1 साल लगता है भाई, ठीक है? आप कितनी मेहनत करते हो, 1 साल तक पढ़ते भी नहीं हो चाहे कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तो पढ़ते हो ना। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपको पास होना है। तो भाई गिटार भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है? मैं आपको मिनिमम बोलता हूँ कि 90 डेज आप कम से कम डेडिकेटली, एकदम डेडिकेटली कॉपी बना के, नोट्स बना के प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो ना, कैसी मजा नहीं आएगी जो आप गिटार नहीं सीख पाओगे यार, कमाल करते हो, ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना? आप 100% सीखोगे यार गिटार, ठीक है? लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद बोलोगे सर मैं गिटार नहीं सीख पाया, तो भाई एक बात याद रखो क्लियरली दिमाग में कि फॉल्ट आपका ही है, कहीं ना कहीं आप में ही मिस्टेक थी, कहीं ना कहीं आप में कमी थी, आपने प्रैक्टिस सही से नहीं की, आपने पूरी डेडिकेशन नहीं दिखाई। बस ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की बात नहीं है, ठीक है? ओके, बैक टू आवर क्लासेस। तो भाई मैं कहाँ पे था? ओके राइट, अभी देखो बार कॉर्ड्स में सबसे इजी तरीका मैंने आपको ये बताया कि यही आपको चेक करना है। दूसरी बात, आपका थंब और आपका इंडेक्स, पूरा खेल इसी का होता है भाई, पूरे बार कॉर्ड में इसी का खेल है और किसी चीज़ का खेल नहीं है। ये तीनों उंगलियां सेकेंडरी हैं, ये बात याद रखो। ये तीनों उंगलियां तो ये तीनों उंगलियां आप यहाँ दबाते रहो यार, ये वाला ये कॉर्ड आप बजाते हो ना, इससे बजा रहे हो आप ई, आप कोशिश करो कि इस इनसे ई ना बजा के आप ऐसे बजाओ, ठीक है? ऐसे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद इसी को आप आगे शिफ्ट करो ऐसे, राइट? आप मेरा थंब का पोजीशन देख रहे हो, पीछे स्ट्रेट है, पूरा स्ट्रेट है, ठीक है ना दोस्तों? गलती आप यहीं पे करते हो बस केवल। अब इसको ले आओ ऐसे, और ऐसे मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है? अभी देखो मैंने इसको थोड़ा टिल्ट लगाया हुआ, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे कैसे दिखाऊंगा? ये देखो आप दिख रहे हैं मेरी उंगली, आप देखो अगर ये सीधी होती ना तो ये ऐसे होती, सीधी, स्ट्रेट कभी नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेट नहीं होगी। अभी तो जो लोग एडवांस सीख जाते हैं ना गिटार, जो बहुत आगे, जिनकी प्रैक्टिस बहुत हो जाती है, वो ऐसे भी बजा लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है? मैं इसको ऐसे भी बजा लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बिगिनर के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं बजाना है आपको, आप मिस्टेक वहीं करोगे। हल्का सा देखो ऐसे टिल्ट रखो बस केवल, टिल्ट ऐसे, और फिंगर मेरा अंगूठा का पोजीशन देखो भाई, ऐसे पीछे दिखा देता हूँ आपको, ये लो हल्का सा माइक ना हिले मेरा, ठीक है? ये देखो ऐसे फिंगर का मेरा ये अंगूठे का पोजीशन देखो ऐसा है, ठीक है? और गैप भी देख लो आप, ये गैप देख लो, ये बीच नीचे गैप बन रहा है, ये देखो, दिख रहा है आपको? यहाँ गैप देखो, इधर इनके नीचे, ठीक है? अब देखो आप एक गलती और करते हो कि जब आपने ये पकड़ी ना, ये वाली, ये तीन आपने जब पकड़ी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखो कि जिन स्ट्रिंग्स को आपने पकड़ा है, जिन स्ट्रिंग्स को आपने पकड़ा है उनको दोबारा दबाने की, अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, ये तो मैं कवर करना है तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने क्या बोला था मुझे कि सर जब हम कोई बार कॉर्ड पकड़ते हैं तो इस इंडेक्स से सारी की सारी दबाना ज़रूरी होता है क्या? उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है? देखो भाई सिंपल सा लॉजिक लगाओ यार, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। जब आपने बार कॉर्ड में ये तीनों की तीनों यहाँ दबा दिए, ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं ना आपकी, एफ ले रहा हूँ मैं, एफ बार कॉर्ड ले रहा हूँ, तो ये तीनों स्ट्रिंग्स जो आपकी हैं, गर्ल डिजर्व्स आई, ठीक है, जी डी और ए स्ट्रिंग्स जो आपकी हैं, जब तीनों आपने यहाँ पे दबा दिया, तो जब आप इस इंडेक्स को लगाओगे तो इंडेक्स को उन्हीं स्ट्रिंग्स को दबाने का कोई लॉजिक है? आप खुद सोचो यार, आप इतने गिटार सीखो, आपने इतना गिटार की थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, कोई लॉजिक है कि नहीं आप बताओ? आपको मालूम है कि जो सबसे डेंस नोट होता है, मतलब आगे वाला जो नोट होता है, प्रिसीडिंग नोट जो होता है, वो डोमिनेंट होता है। सिंपल सी बात, डोमिनेंट मतलब वो पहले बजता है, उसकी प्रायोरिटी पहले है। एग्जाम्पल इन दोनों उंगली को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझाता हूँ, इन दोनों उंगली को ले रहा हूँ। अब देखो मैंने एक उंगली को यहाँ पे रखा, ठीक है, 5th फ्रेट पे, और एक को 7th पे रखा। अभी दोनों को मैंने दबा के रखा है, दोनों को दबा के रखा है। अभी मैं नीचे वाली स्ट्रिंग को प्ले कर रहा हूँ, कौन सा नोट बजेगा बताओ? 7th बजेगा ना, 7th बजेगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है, आगे की तरफ बजेगा भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि स्ट्रिंग आपने, ये थोड़ी फिजिक्स है, ये तो आपको मालूम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपने यहाँ दबाने से क्या कर दिया, स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर दिया बेसिकली। तो ये अब जब इसको उठाओगे आप तो 5 बजेगा, क्योंकि अब 5 डोमिनेंट हो गया। सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जब आपने यहाँ पे किया, ये तीनों स्ट्रिंग्स को पकड़ लिया आपने यहाँ पे, तो जब आप इंडेक्स को लगा रहे हो तो उन तीनों को दबाने का कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं होता। लेकिन भाई अब देखो आपको सवाल का आंसर मिलेगा, लेकिन
अब आपको दबाना है ऊपर का एक और नीचे के दो, तो ऐसा करना भी मुश्किल है क्योंकि फिर आपको ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में एक गैप करना पड़ेगा, ऊपर से आपको ये दबाना पड़ेगा और नीचे इस वाले एरिया से आपको नीचे की दो स्ट्रिंग दबानी पड़ेगी, ठीक है, जो करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई पूरे के पूरे स्ट्रिंग्स दबाओ, जिसमें कि क्या होगा, आपका जोर पड़ेगा, ऊपर का तो दबेगा ही, नीचे के दो दबेंगे ही, बीच के वो तीन दबे या ना दबे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बाढ़ में जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो पूरी लग रही है ना फिंगर की स्ट्रेंथ पूरी लगानी है ताकि ऊपर का और नीचे के दो पूरे बजें, बीच का बजे या ना बजे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। ये देखो, समझ में आया आपको, आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ ताकि आपके मन में 1% डाउट भी ना रहे, ठीक है दोस्तों। अभी बैक टू इंटरमिशन सेक्शन चलते हैं। अभी आपको जो फंडा मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे बता दो प्लीज़, सबके सब प्लीज़ मुझे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। ओके राइट, ओके चलो, थैंक यू। तो और मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब मैं सिखा रहा हूँ आपको लाइव, तो आप अपना गिटार अपने पास ज़रूर रखो यार, ठीक है, मतलब उससे आपको और अच्छा मतलब लगेगा, कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार मैंने आज कुछ नया सीखा, हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस सब फील होगा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो मतलब एक प्लान भी कर रहा था यार, मैंने मतलब काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं अपना एक गिटार ना ऑनलाइन मतलब लाइव वाला करूं, ठीक है, लाइव तो चल ही रहा है बट एक अलग से मतलब मैं करूं, लाइव सेशन करूं जिसमें आप लोगों, अच्छा हाँ दोस्तों थोड़ा सा और बताना है आपको मैंने, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ। मैंने यार मैंने पहले किया था ये देखो, ये वाला जो मेरा गेस्ट कॉल सेक्शन है, ये सेक्शन है, इसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था ना दोस्तों, ये मेरा गेस्ट कॉल सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये लाइव गेस्ट कॉल जो लिखा है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट सच में मतलब चाहता है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि यार कि मैं सर के लाइव स्ट्रीम में परफॉर्म करूं, अगर वो चाहता है कि हाँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, देखो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपको आता है ना, जो भी दिल से आता है वो आप करो, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं होती भाई, ठीक है, जब आप परफॉर्म करोगे, एक बार करोगे, चाहे आप फेल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको शर्म आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, आप एक बार परफॉर्म करो यार, ठीक है, आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये मैंने जो सेशन बनाया था लाइव गेस्ट कॉल वाला, ये सेशन अभी पूरा वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइड मतलब मैंने पूरा ट्रायल ले लिया है, अब सक्सेसफुल हो चुका है। तो आने वाले लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, मेरे स्टूडेंट से, कि जिसको भी इंटरेस्ट है, अगर वो कुछ परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन एक शर्त है इस पे, एक शर्त क्या है कि भाई परफॉर्म करना है तो आपको एक गाना करना पड़ेगा, डेडिकेटली परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 लाइन गा दी या 4 लाइन गा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका लाइव स्ट्रीम बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, ठीक है, तो क्या पता आपसे कोई मोटिवेट हो जाए, है ना, आप परफॉर्म करोगे, लाइव परफॉर्म करोगे, आपसे भी कई सारे लोग मोटिवेट होंगे, है ना, अच्छा लगेगा उनको भी कि अरे यार ये बंदा तो कितना अच्छा बजा रहा है यार, अब मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, तो वो भी भाई स्टार्ट करेगा। तो आपको डेडिकेटली गाना करना पड़ेगा बड़े अच्छे से मतलब गाना करना है आपको अच्छे से, मतलब क्या यार, वो तो लोग जज करेंगे, हम कौन से जज करने वाले, सारे स्टूडेंट आपको जज करेंगे उसमें, और आपको मज़ा भी आएगा जब सारे के सारे स्टूडेंट नीचे कमेंट लिखेंगे आपके लिए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यार कि हाँ बिल्कुल चलो ऑसम चीज़, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसका ट्रायल पूरा सक्सेसफुल हो चुका है और बस आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी खोलने वाला हूँ, इसके अपडेट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके बैक टू अवर लाइव क्लासेस, ठीक है, अच्छा ओके, अभी मैं एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ बार कॉर्ड्स सीखने की। देखो कभी भी ना एक बार कॉर्ड में मत बजाओ, ठीक है, एक बार कॉर्ड में कभी मत बजाओ। अब मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा जो शायद ही किसी को मालूम होगी, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा भी, लेकिन शायद ही बता रहा हूँ कि शायद आपको नहीं मालूम हो तो नई चीज़ बता लेगी। देखो जब आप बार कॉर्ड करते हो ना स्टार्टिंग में, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये कह लो कि मैंने खुद इन्वेंट किया है भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने म्यूज़िक में काफ़ी कुछ सोचा है कि मैं खुद का भी कुछ इन्वेंट करूं यार, मतलब म्यूज़िक एक सब्जेक्ट है ना, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी है और आपको भी देखना, आज आप प्रैक्टिस करना, आप मुझे बताना इस कमेंट सेक्शन में बाद में बताना कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैंने खुद इन्वेंट की ये चीज़, मुझे मतलब खुद अच्छा लगा। जब जिस जैसे जैसे आप कैपो को हायर फ्रेट पे बढ़ाते हो ना, मान लो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे कैपो लगा दिया, ठीक है, आप देखना बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको, तो आपका गिटार का जो गैपिंग है ना वो कम हो जाता है, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर आपका गिटार का गैप ज़्यादा है
तो वो एक रीज़न होता है कि आप यहाँ पे बार बजाने में असक्षम होते हो, मतलब आप नहीं बजा पाते, ठीक है। वो उसके लिए आपका फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है, आप गिव अप कर देते हो। तो आप कोशिश करो कि फिफ्थ फ्रेट के बाद, मतलब फिफ्थ फ्रेट पे आप बार लगाओ, मतलब केपो लगाओ, और यहाँ पे आप उसके बाद बार पकड़ो। देखना कितना मक्खन की तरह पकड़ा जाएगा, एकदम प्यार से, एकदम मक्खन की तरह। ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस है भाई, सच बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इतना प्यार से, मतलब प्यार से बजेगा ना, ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बिल्कुल मक्खन की तरह बजेगा। आप खुद देखो ये बात। ये तो आज मैं लाइव स्ट्रीम सेशन करने से पहले सोच रहा था कि इस ट्रिक को आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी अपने पास गिटार पकड़ा तो आप एक बार ट्राई करके देखो यार, मतलब आपको सच में लगेगा कि हाँ यार इट्स ऑसम, बड़ा मज़ा आएगा आपको, सीरियसली, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की लास्ट ट्रिक थी दोस्तों, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि सेशन छोड़ के ऐसे मैं जाऊंगा नहीं, सेशन में हमेशा एक गाना होता है और वो गाना मैं ज़रूर करूंगा, ठीक है। तो अभी गाने का टाइम आ गया है, और जैसे कि आपको मालूम है कि गाना अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या टाइप करना है, आपको मालूम है, वी वॉन्ट दिस लेसन। लेकिन पहले से कोई टाइप मत करना, क्योंकि इसमें पहले मैं क्विज करूँगा, मैं गाना बजाऊँगा। देखो गाना अभी लेटेस्ट है, आपको मतलब सोचो मज़ा आएगा, मतलब एक टाइप का पजल समझो, ठीक है। मैं गाना बजाऊंगा, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल टोन में बजाऊंगा तो आप फट से पकड़ लोगे। तो आपका म्यूज़िक मैं एक लय दूंगा, बस केवल एक लय दूंगा, कॉर्ड बजाऊंगा, लय दूंगा, और आपको गैस करना है। जैसे ही मैं स्क्रीन पे देखूंगा कि आपने सही गैस कर दिया है, मैं तुरंत गाना स्टार्ट कर दूंगा भाई, ठीक है दोस्तों। ओके लेट्स सी आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो, टोन बिल्कुल चेंज है, लेट्स सी, मज़ा आएगा। ओके तो आर यू रेडी, सबके सब रेडी, स्टार्ट हो जाए। ओके चलो देखते हैं आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते। हाय बताओ। हाय अभी मैं पढ़ रहा हूं। ओ अखियों से दरिया बह गया है, ख्वाब वो अधूरा रह गया, जग भी पराया हो गया है, जुदा तेरा साया हो गया, तेरी दुनिया मुझे अब ना गवारा है, पर तू हंसती रहे बस यही सहारा है। मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक वर्षा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा एक तरफा हो गया। मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक वर्षा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा एक तरफा हो गया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यार, आपने सही गैस किया एकदम बिल्कुल बढ़िया से, और आई होप आपको मतलब अच्छा लगा गाना, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा अलग ट्यून में अलग स्केल में ढाला है। क्योंकि आपको मालूम है कि देखो कभी मैं आपको हमेशा समझाता हूँ दोस्तों कि म्यूज़िक में ना क्या होता है कि हर कोई अरिजीत सिंह नहीं है यार, अरिजीत सिंह सर नहीं है, दर्शन रावल नहीं है, हर एक का अपना पिच होता है, अपना वो होता है यार। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं उनकी जैसा नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी पिच कैसी है, मेरी आवाज़ कैसी है, मुझे कौन सा पिच सूट करता है, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनोगे लाइफ में, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी बात को सीरियसली सुनो, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनोगे। अगर आपको लगता है कि आप कोई गाना बजाना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आप उस आवाज़ में नहीं गा पा रहे हो, तो चेंज करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप म्यूजिशियन हो ना यार, यू आर म्यूजिशियन, ठीक है। थ्योरी यूज़ करो, कैपो कॉर्ड यूज़ करो, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश करो, आपको बड़ा मज़ा आएगा यार, इन्जॉय करोगे आप, ठीक है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो भाई अभी मैंने उस समय देखा नहीं कि आपने टाइप किया कि नहीं किया वी वॉन्ट दिस लेसन, तो आप प्लीज़ एक बार मुझे बता दो कि यू वॉन्ट दिस लेसन और नॉट। वी वॉन्ट दिस लेसन अगर आ गया तो मैं कसम से मैं फिर इसको डालूंगा नेक्स्ट वीक 100% विदाउट एनी डाउट, 100% डालूंगा भाई, ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके चलो यार सीरियसली, बहुत सारे लोगों ने ओ माय गॉड वी वॉन्ट दिस लेसन, वी वॉन्ट दिस लेसन, लव यू ऑल यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मतलब
बहुत एनर्जी से मतलब भरपूर हो जाता हूँ भाई मैं एकदम, ग्लूकॉन्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे। देखो तुम्हारा भाई आज पानी लेके बैठा था, मैंने सोचा यार कि चलो आज लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एक एक बंदे का मैं यार एक बार एक मिनट एक मुझे एक सेकंड दो, एक सेकंड दो मुझे बस, केवल मैं उठ जाता हूँ पहले क्योंकि मैं चाहता हूँ, एक मिनट यार मैं गिटार को थोड़ा साइड रख देता हूँ, राइट, एक मिनट एक सेकंड को जाना मत, माइक को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ओके सो भाई मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। दीपांश वी वॉन्ट दिस लेसन, ओके वी वॉन्ट दिस लेसन, वी वॉन्ट दिस लेसन बहुत सारे आ गए यार अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना बस आपसे थोड़ी जल्दी से बातें करूं, ठीक है। हर एक को बताऊं, आयुष, मैं हर एक का नाम पढ़ना चाहता हूं, आयुष, हिमांशु, कार्तिक, नमन, मोहित, सुशांत, सुशांत हुआ यार, सुशांत नाम बड़ा अच्छा है, करिश्मा, अनमोल, कौशिक, प्रिया, शांभवी, प्रिया, अनमोल, शुभम, जेरी, बाप रे बहुत सारे मैसेजेस हो गए अरे यार ऐसे ऐसे फ्लिप करते रहोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा, ठीक है प्रियांश। इसलिए भाई अगली बार जब मैं करूँगा ना तो आई विल डेफिनेटली 100%। ओके वी हैव अ डोनर हियर यार, सीरियसली मैं कैसे भूल जाता हूँ यार, सुमित बोस, अ बिग शाउट आउट टू सुमित बोस फॉर 40 rupees सुपर चैट। भाई अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, सीरियसली। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो डोनेट कर रहा है दैट मीन्स ही इज सपोर्टिंग मी, ठीक है, ही इज सपोर्टिंग माई चैनल। तो भाई उसके लिए बहुत बड़ा शाउट आउट सुमित बोस, आपके लिए बहुत बड़ा शाउट आउट मेरे दोस्त, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग विथ 40 rupees, इट्स ओके, आई अप्रिशिएट दैट। एंड न्यू सब्सक्राइबर संस्कृति रूअल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग संस्कृति एवरी। ओके भाई अगर मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ किसी का भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर एक बंदा दिल से ये मान लो कि कौस्टिक बाड़ी भाई ने आपका मैसेज पढ़ लिया, ठीक है, एज्यूम कर लो आप, जितने भी सारे मैसेज है ना हम कंप्यूटर पर करते हैं ना कंट्रोल ए रीड, ठीक है, तो भाई तुम एज्यूम कर लो कंट्रोल ए ऑल रीड, ठीक है, सारे के सारे मैसेज रीड। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो हो ना, पता कौन हो आप लोग, कौन हो आप लोग, एकॉस्टिक आर्मी, आप लोग एकॉस्टिक आर्मी का हिस्सा हो, एकॉस्टिक पहाड़ी आर्मी का आप हिस्सा हो। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो मैं करना भूल गया यार, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि गिव अवे मैं जल्दी करने वाला हूँ, जैसे मेरे 970K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे दोस्तों मैं गिव अवे खोल दूंगा सबके लिए, ऑफिशियल गिव अवे मैं खोल दूंगा सबके लिए, ठीक है। गिव अवे में क्या रहेगा पहले बता देता हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बता रहा हूँ कि गिव अवे में क्या क्या रहेगा दोस्तों। देखो सबसे पहले मैंने प्लान किया था कि मैं अपना गिटार दूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैंने प्लान किया था कि मैं अपना गिटार दूंगा, लेकिन गिटार देने के लिए यार प्रॉब्लम क्या हो गई ना अभी कि गिटार देने के लिए इसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जो बंदा रहेगा उसको यहाँ बुलाऊंगा तो मैं उसको अपने हाथों से दूंगा, ठीक है। प्लान क्या है पहले आप प्लान सुन लो, प्लान क्या है, गिव अवे में क्या क्या रहेगा दोस्तों, गिव अवे में क्या क्या रहेगा मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है। देखो सबसे पहले तो Yamaha F310 का गिटार दूंगा एक, ठीक है, एक प्राइस मनी रहेगा Yamaha F310 का गिटार जो मैं खरीदूंगा नहीं, जो भी उस गिव अवे को जीतेगा, आपको मालूम होगा कि गिव अवे ऑनलाइन करूंगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी भाई, सबके साथ गिव अवे होगा, प्रॉपर फेयर गिव अवे होगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में आपको मालूम है कि gleam.com एक वेबसाइट है, gleam.com पे क्या होता है रैंडम, जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे ना उस पे नाम चढ़ते रहेंगे, फिर उसके बाद मैं क्या होगा एक दिन बैठ जाऊंगा लाइव सेशन में और आपके सामने इंटरनेट खोल के आपको लाइव दिखाऊंगा और उसमें से सेलेक्ट करूंगा विनर्स करके, तो वो रैंडमली सेलेक्ट करता है उसमें से विनर गिव अवे, सारे यूट्यूबर ऐसे करते हैं, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट होंगे विनर, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आप लोगों का कोई पार्शियलिटी नहीं होगा किसी के साथ, जो भी बंदा विनर होगा मैं कोई कॉम्पिटिशन नहीं रखूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन रखूंगा अगर तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ने पार्शियलिटी की, उसने अच्छा नहीं गाया था, इसने अच्छा नहीं गाया था, बस मैं गिव अवे करूंगा, आपको बस उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपका नामांकन उसमें होना चाहिए, नामांकन आपका उसमें हो गया, उसके बाद मैं gleam.com पे एक दिन लाइव आके विनर्स को अनाउंस करूंगा। अच्छा अब प्राइस मनी क्या रहेगा, प्राइस मनी मतलब क्या क्या प्राइस रहेगा, सबसे बड़ा प्राइस तो भाई Yamaha F310 का गिटार मैं दूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 million सब्सक्राइबर मेरे होंगे तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि भाई जो भी बनाऊं आपकी उनसे बनाऊं, हेल्प से बनाऊं, जो भी हूं आज आपकी बदौलत हूं तो मुझे आपको देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, मैं इतना आपके लिए कर सकता हूं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Yamaha F310 फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट पोजीशन में आपके लिए जो बंदा विनर होगा। और एक बात याद रखो, जो पहला गिव अवे का मैं विनर अनाउंस करूंगा वो नीचे से करूंगा, नीचे से मतलब पहले मैं आपको प्राइस नीचे से बता देता हूँ दोस्तों, 10 t-shirts रहेंगी एकॉस्टिक आर्मी की, 10 t-shirts रहेंगी, वो जो बंदे 10 winners होंगे उनको एकॉस्टिक आर्मी की t-shirt मिलेगी, मैंने ऑलरेडी इसे डिज़ाइन कर दी है और मैंने प्रिंटिंग के लिए दे दी है फैक्ट्री में, तो 10 acoustic army की t-shirts रहेंगी। जो भी बंदा जीतेगा उससे मैं उसका ईमेल एड्रेस पता वता सब पूछ लूँगा, साइज़ वाइज सब पूछ लूँगा, उसको एकॉस्टिक आर्मी की t-shirt मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें दूंगा आपके जो भी हैं 10
एकॉस्टिक स्ट्रिंग्स के सेट होंगे, अच्छे अच्छे ब्रांडेड के डिया डेरियो के, ठीक है, 10 एकॉस्टिक स्ट्रिंग्स के सेट होंगे। वो स्ट्रिंग्स जो भी जीतेगा उसको मैं सेम टाइम उसका एड्रेस पूछ के अमेजन से डायरेक्ट ऑर्डर कर दूंगा, उस बंदे को उसके घर पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं खरीद के रखूंगा फिर मुझे कुरियर करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जो भी बंदा विनर होगा उसका नाम मैं नोट कर लूँगा, ठीक है, उसके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक कैपो भी रहेंगे 10, ठीक है दोस्तों, 10 स्ट्रिंग्स, 10 कैपो, एक यामा एकूस्टिक गिटार और एक थोड़ा लो बजट का गिटार, मतलब 4 to 5,000, वो भी मैं रखूँगा एक। तो जो सेकेंड बंदा, जो सेकेंड लास्ट बंदा मैं अनाउंस करूँगा वो इस गिटार को जीतेगा। और जो लास्ट अनाउंसमेंट होगी गिव अवे की, लास्ट में, मतलब जो लास्ट में अनाउंसमेंट करूंगा, उस बंदे में जिसका नाम भी आएगा विनर का, तो भाई ही विल बी द विनर ऑफ यामा F310 गिटार, ठीक है दोस्तों। तो बस ये थी आपकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और हाँ, अगर आपको एकूस्टिक पार्टी की टी शर्ट चाहिए होगी एक्स्ट्रा, जो चाहे विनर हो चाहे ना हो, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो मुझे बता देना भाई, आप मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करूंगा। बस थोड़ा चार्जेबल होगा वो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यार प्रिंटिंग के लिए दी है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यार मैं खुद इतना मर्चेंडाइज कर रहा हूं तो मेरा भी पैसा लगता है उसमें। तो आप जो गिव अवे में जीतेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना बाद में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी प्रिंटिंग के लिए गई हुई है, तो प्रिंट के बाद आ जाएगी एंड तब मैं आपको दूंगा। तो भाई इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं आज का ये सेशन, और लव यू ऑल। एक एक बंदे को थैंक यू जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहा है, दिल से धन्यवाद आपको। और बस ऐसे ही बस लाइव स्ट्रीम होता रहेगा, अगले संडे को मिलेंगे, हर संडे को लाइव स्ट्रीम प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से इतना सेटअप किया है, तो मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो भाई इसी के साथ अगले संडे को मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।